हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, दैट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। आज हम करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस करने से पहले एक बार फिर मैं चाहती हूँ कि आप समझ लें कि व्हाट इज द एनालॉजी ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखो, जब भी कभी कोई पर्सन बिजनेस सेटअप करने का डिसाइड करता है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर, दैट इज द सब्जेक्ट, एंड द प्रोसेस थ्रू विच ही सेट्स अप द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज द वर्ब, एंड द आउटकम ऑफ दैट प्रोसेस इज द एंटरप्राइज, दैट इज द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज वॉट इज द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एनालिसिस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो आज के लेक्चर में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोसेस और उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे सीखेंगे। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बच्चों दो चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डिजायरेबिलिटी। जो एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले वो डिजायरेबल होना चाहिए टू स्टार्ट द बिजनेस। सेकेंड रिक्वायरमेंट है फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी। इट मींस कि जो बिजनेस आइडिया एंटरप्रेन्योर के दिमाग में है क्या वो आइडिया फिजिबल भी है या नहीं, वो फिजिबल है या नहीं वो उसको एनवायरमेंटल एनालिसिस से पता लगेगा। इसीलिए कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप इज एन आउटकम ऑफ अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ पर्सन एंड हिज एनवायरमेंट। मतलब ये जद्दोजहद चलती रहती है एंटरप्रेन्योर के दिमाग में कि एनवायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसको एनालाइज करके वो अपने दिमाग में एक बिजनेस आइडिया या बिजनेस प्लान को कंसीव करता है। फिर वो बहुत सारे स्टेप्स लेता है ये देखने के लिए कि उसका बिजनेस आइडिया फिजिबल है या नहीं है। और जब एक पर्टिकुलर पर्सन की एनवायरमेंट के साथ इंटरनल इंटरेक्शन चलती रहती है और उस इंटरेक्शन से जो फाइनल आउटकम आता है वो आता है बिजनेस आइडिया। उस बिजनेस आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए जो भी वो स्टेप्स लेता है दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वन्स ओन बिजनेस। जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन अपना बिजनेस सेटअप करना डिसाइड करता है, ही डज नॉट डिसाइड टू गो इनटू एम्प्लॉयमेंट, ही डज नॉट डिसाइड टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन, बट ही चूज टू स्टार्ट द बिजनेस, इट मींस दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज टू अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और बिल्कुल अभी मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया कि जो पर्सन जिसके दिमाग में बिजनेस आइडिया होता है वो सब्जेक्ट, वो पर्सन वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। जिस प्रोसेस को वो अंडरटेक करता है टू कन्वर्ट द आइडिया इंटू एक्शन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड द आउटकम ऑफ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एंटरप्राइज। जो बिजनेस बनकर तैयार होता है दैट इज कॉल्ड द एंटरप्राइज एंड दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों पार्ट्स में से हमें सिर्फ बीच वाला पार्ट करना है, द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज द वर्ब। इस प्रोसेस में तीन सिंपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको याद हो कि हमने कंपनी की फॉर्मेशन करी थी और कंपनी की फॉर्मेशन में भी हमने चार स्टेजेस करी थी, प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट स्टेज। तो जिस तरह से कंपनी की फॉर्मेशन की वेरियस स्टेजेस और वेरियस स्टेप्स होते हैं, इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो सबसे पहला फेज होता है, स्टार्टिंग फेज होता है, उसमें तीन बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग, दूसरा स्टेप है स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विस आइडिया सिलेक्शन, और तीसरा स्टेप है फीजिबिलिटी एनालिसिस। क्योंकि अभी मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दो चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, डिजायरेबिलिटी एंड फीजिबिलिटी। डिजायरेबिलिटी तो है ही, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पर्सन जब ये डिसाइड करता है कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाएगा, प्रोफेशन में नहीं जाएगा, बल्कि अपना बिजनेस सेटअप करेगा, तो पहला एलिमेंट तो फुलफिल हो ही गया, डिजायरेबिलिटी। दूसरा जो है फिजिबिलिटी एलिमेंट,
उस फिजिबिलिटी एनालिसिस से पहले भी कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं जो कि मैंने यहां पर लिखे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग एंड सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड द सर्विस आइडिया। तो अब इन तीनों स्टेप्स को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे या कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग? इट इज द एनालिसिस ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। We already know that the environment is full of opportunities and the threats. तो उसमें से opportunities को identify करके जो भी particular person उस opportunity को business idea में convert कर देता है, that person becomes an entrepreneur. तो opportunity scouting का मतलब है search for the opportunities. तो environment में threats भी हैं and opportunities भी है, तो एंटरप्रेन्योर का क्या काम होता है कि सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। और वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढता कैसे, उसके बहुत सारे तरीके हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरीज, इन्वेंशन, रिसर्च ऑफ डोमेस्टिक इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एनालिसिस, मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एनालिसिस भी उसे करनी पड़ती है और इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एनालिसिस भी उसे करनी पड़ती है, एनवायरमेंटल एनालिसिस, एनवायरमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, उन सारे एनवायरमेंट के फैक्टर्स की उसको एनालिसिस करनी पड़ती है, स्वॉट एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो इस तरह से सबसे पहले एंटरप्रेन्योर बहुत सारी एनालिसिस करके, स्वॉट एनालिसिस करके, एनवायरमेंटल एनालिसिस करके, इंडस्ट्रियल एनालिसिस करके, रिसर्च वर्क करके, पर्सनल ऑब्जर्वेशन से वो क्या करता है, पहला स्टेप आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटीज। जब वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर लेता है तो सेकेंड स्टेप इज ही हैज टू डिसाइड अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और अ सर्विस इन विच ही इज विलिंग टू डील, और जो भी मार्केट ऑफरिंग होगी उसका कॉम्बिनेशन, के कौन सा प्रोडक्ट, क्या टारगेट मार्केट होगी, क्या प्राइस होगा, कितनी वैरायटीज होंगी, इन सबको जब वो स्पेसिफिकली डिसाइड करेगा, दैट इज द सेकेंड स्टेप, दैट इज स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विस आइडिया। उसमें वो क्या क्या करेगा, ही विल फाइनलाइज एंड चूज द मार्केट ऑफरिंग दैट इज स्पेसिफिक। मतलब कोई जनरलाइज मार्केट ऑफरिंग उसके दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि गारमेंट्स का काम शुरू कर लेता हूं। अगर वो गारमेंट्स भी चूज करे तो उसको स्पेसिफिकली ये डिसाइड करना चाहिए कि विल ही स्टार्ट द बिजनेस ऑफ गारमेंट्स स्पेसिफिकली फॉर विमेन और फॉर मेन और फॉर चिल्ड्रन और गारमेंट्स फॉर एवरीवन। सो ही हैज टू स्पेसिफिकली डिसाइड हिज टारगेट मार्केट, हिज स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड हिज स्पेसिफिक सर्विस दैट ही वॉन्ट्स टू डील विद। सो वॉट आर द क्वेश्चन फॉर विच ही हैज टू सर्च, द आंसर इज who is buying, who is going to buy his product and service, why he is going to buy the product and service, what are the value expectations of the customers who are going to buy his product and service, aur usko ye dekhna padega ki jo values wo provide karega to the target market wo expectations se zyada honi chahiye। अगर वो वैल्यूज एक्सपेक्टेशन से कम होंगी तो डेफिनेटली उसका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वैल्यूज वो अपनी टारगेट मार्केट को प्रोवाइड करेगा, और वो वैल्यूज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होनी चाहिए। सो सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो क्लियर टू यू आई होप, कि पहले वो एनवायरमेंटल एनालिसिस करेगा और उससे वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा, फिर उन अपॉर्चुनिटीज को बिजनेस आइडिया में वो कन्वर्ट करेगा और वो स्पेसिफिक सर्विस और प्रोडक्ट चूज करेगा जो वो ऑफर करेगा टारगेट मार्केट को, और फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है फीजिबिलिटी एनालिसिस। फीजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब होता है प्रैक्टिकल एनालिसिस कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विस उसने डिसाइड करा है या चूज करा है उस प्रोडक्ट एंड सर्विस में डील करना उसके लिए प्रैक्टिकल भी है या नहीं है। तो उसके लिए उसे कई तरह की फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करनी पड़ती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी से उसे क्या पता लगता है कि उसका बिजनेस आइडिया प्रॉफिटेबल भी होगा कि नहीं होगा। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी से उसे यह पता लगता है
कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उसके बिजनेस आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, वेदर वो उसको अरेंज भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और टेक्निकल फिजिबिलिटी से ये पता लगता है कि जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसे अपने बिजनेस आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी उसके पास इजीली अवेलेबल होगी या नहीं, उस टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट है वो बेयर कर पाएगा या नहीं। तो इस तरह से तीन इंपॉर्टेंट एनालिसिस करके वो फिजिबिलिटी स्टडी करेगा, और उस फिजिबिलिटी स्टडी के बाद ही उसका जो सेकेंड एस्पेक्ट है डिजायरेबिलिटी के बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, वो फुलफिल होगा कि वो सिर्फ डिजायरेबल ही नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बल्कि उसका बिजनेस आइडिया फीजिबल भी है। सो आई होप दैट द थ्री स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आर वेरी मच क्लियर टू यू। आई एम अगेन समराइजिंग दीज स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप द एंटरप्रेन्योर हैज टू अंडरटेक इज दैट ही हैज टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। Then the second step is that he has to convert the opportunity into the business idea. And the third step is he has to find out whether his idea is feasible or not. और इन तीनों स्टेप्स को कैसे मैंने समराइज करा है कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के दिमाग में क्या होता है, एक बिजनेस प्लान होता है, एक आइडिया होता है, जो कि उससे किससे पता चलता है, अपॉर्चुनिटीज एनालिसिस से। फिर उसके बाद वो अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करता है बिफोर द फंडिंग अथॉरिटीज, क्योंकि फाइनेंस इज द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू द बिजनेस आइडिया। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टेट फाइनेंशियल कोऑपरेशन एक फंडिंग अथॉरिटी है जहां से बिजनेस आइडिया को अप्रूव कराया जाता है। तो वो अपने बिजनेस प्लान को फंडिंग अथॉरिटीज पे प्रेजेंट करेगा, और जब फंडिंग अथॉरिटीज उसको स्क्रूटिनाइज कर लेंगी तो फंडिंग अथॉरिटीज अप्रूवल दे देंगी उसके प्लान को, और फिर वो एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करेगा। दैट रिजल्ट्स इन स्टार्टअप। वी विल स्टडी अबाउट द स्टार्टअप इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट वी हैव टू समराइज एंटरप्रेन्योरशिप बाय दीज स्टेप्स दैट द एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक। सो विद दिस आई एंड अप द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप का ये लास्ट टॉपिक था, और ये आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा अगर आपने पहले की वीडियोस एंटरप्रेन्योरशिप के डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स, उसकी नीड, इम्पोर्टेंस, ये सारी वीडियोस अगर आपने देख रखी हैं तो आपको ये आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन वीडियोस को वॉच कर लीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर 8, दैट इज द स्टार्टअप। Till then, goodbye, stay healthy and connected.